बैनर तले बन रही फिल्म क्रीना जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाली है। इस फिल्म में मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन और अभिनेता शाहबाज खान प्रमुख किरदारों में दर्शकों को नजर आएंगे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के जरिए अपने बेटे को क्रीना के माध्यम से लोगों के बीच लाने वाले हैं। बता दें कि क्रीना फिल्म महाभारत पर आधारित है। हाल ही में इस फिल्म के कुछ भागों की शूटिंग मुंबई गोरेगांव पूर्व चित्र नगरी के हेलीपैड में चित्रित की गई है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है हरविंद सिंह चौहान और डायरेक्टर है श्यामल मिश्रा। क्रीना फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें उन्होंने मीडिया के जरिए बताई है। आइए देखते हैं कि क्रीना फिल्म की टीम का क्या कहना है। समनाश में मुंबई बहुत ही पावर पैक कैरेक्टर है, छोटा सा रोल है बट बहुत ही एक अथॉरिटेटिव रोल है, डिफरेंट रोल है क्योंकि कभी मैंने ये आदिवासी गेटअप में कभी मैंने अटेम्प्ट किया नहीं है। सो एज फार एज द स्टोरी इज कंसर्न मॉडर्न एज की फिल्म नहीं है बट एक आई वुड डेफिनेटली से प्रोड्यूसर को मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूँगी क्योंकि एक जनरल फ्लो ऑफ फिल्म्स के साथ नहीं जाकर कुछ अलग अटेम्प्ट कर रहे हैं ये मतलब हिम्मत की बात है एंड वी रियली होप दैट बिकम्स वेरी सक्सेसफुल इन दिस फिल्म। एंड खुशी की बात यह है कि शाहबाज खान जी है, दीपशिखा है, सुदेश बेरी है, तो इन सब से मिलने का एक मौका मुझे मिल गया। क्योंकि अक्सर टेलीविजन में ऐसा होता है कि हम अपनी दुनिया में इतनी उलझे रहते हैं कि हमारे जितने भी हमारे उस टाइम के को एक्टर्स थे हम मिलते नहीं हैं। सो थैंक्स टू दिस फिल्म दैट आई कुड मीट ऑल ऑफ देम वंस अगेन। इस फिल्म में मैं नेगेटिव भूमिका निभा रहा हूँ और एक बहुत पावरफुल किरदार है, चित्रा नाम है, जंगल का राजा है। और जिस तरह से ये भी एक महाभारत का ही एक अंश है ये स्टोरी, जिस तरह से बुराई के ऊपर भलाई जीतती है उसी तरह इसमें भी होता है, लेकिन पहले पहले बुराई को बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया है इसमें। और इवेंचुअली होता ये है कि जो हमारा जो हीरो है क्रीना वो एंड में जीतता है। क्रीना फिल्म की शूटिंग फिल्म सिटी हेलीपैड पे है और आज शाहबाज जी और सुधा जी का सीन करने वाले हैं हम लोग और कर रहे हैं। श्यामल जी, अगर आज की बात करें, आज ऑन लोकेशन शूट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट शूट रहा। अगर सुधा जी की बात करें तो बहुत अहम रोल जो है वो और बहुत अहम जो सीन था वो शूट किया गया, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? जी, सुधा जी का छोटा रोल है लेकिन बहुत अच्छा किरदार है और अहम रोल है उनकी। समझिए कि पूरी फिल्म का जो है ना जान वही है सुधा जी, क्योंकि उन्हीं के चरण से पूरी फिल्म की कहानी जुड़ी है। तो इस फिल्म के लिए इतना सब कुछ मेहनत और इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो इस फिल्म के माध्यम से लोगों को क्या दिखाने की, कोई मैसेज और क्या कुछ दिखाने की? बस लोगों को एक अलग कहानी मिलेगी, अलग जोनर की एक सब कुछ देखने का मिलेगा। कहानी ही पूरा डिफरेंट है, जो आजकल फिल्में बन रही है उससे काफ़ी हटके ये फिल्म बन रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंट लोगों को अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरविंद सिंह चौहान है। हरविंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्रीना फिल्म की आज शूटिंग ऑन द लोकेशन यहाँ चल रही है, तो किस तरह की शूटिंग चल रही है और आप एक प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर के सर पे कंधे पे बहुत भार होता है कि फिल्म कितनी अच्छी बन जाएगी और कितना चल पाएगा, तो आज ये सब लोकेशंस पे ऑन द लोकेशन शूटिंग देख के क्या लग रहा है लोगों के किरदार को देख के? बहुत बेहतरीन लग रहा है और हमारे जो एक्टर हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ये हमारी मूवी का मेन सीन है जो आज हम यहाँ पे दर्शाएंगे। कोशिश है कि हम इसको ऑल ओवर इंडिया वो करें और हम दिल्ली और शिमला, देहरादून, कैलकटा बहुत सारी जगह होके आए हैं इसके लिए। सुधा जी और शहबाज खान जी दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ उनके सपोर्ट के लिए, उनके एक्टिंग के लिए बहुत सपोर्ट रहे।